देख लो भाई कितना तगड़ा व्यू है यहाँ पर, ऊंची ऊंची पहाड़ी है और इस समय हम टहलने के लिए निकले हुए हैं। ये देखो कितनी नीचे यहाँ पर खाई वगैरह है, ये देख सकते हो कितने नीचे यहाँ पर खाई है और यहाँ पर चढ़ाई है। यहीं पर दर्शन वर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। रास्ता जो आप ब्लू कलर का देख रहे हो यहीं से रास्ता है, और नीचे यहाँ पर रोड गई हुई है और माता का मंदिर जो है वो वहाँ पर है एकदम ऊंचे, जहाँ टावर वगैरह दिख रहा है आपको। इस तरीके से दिखाते हैं वो वहाँ जो आप टावर देख रहे हो ऊंचे पर, वहाँ पर है माता का मंदिर। और आज का मौसम आप देख सकते हो बादल इस समय छाए हुए हैं, पानी बरसने की ज्यादा आशंका है लेकिन पानी बरसेगा नहीं। अगर पानी बरसता है तो ठंड बहुत ज्यादा पड़ेगी और ठंडक बहुत महसूस हो रही है क्योंकि इस समय टी शर्ट में है और ठंडक महसूस हो रही है। और शाम का वक्त है और इस समय लगभग 5:30 बज चुके हैं। पर देख सकते हो यहाँ पर एक सुरंग बन रही है और ये देखो रेलवे लाइन का एक पुल बना हुआ है और ये पुल जो है सीधा यहाँ से सीधा कश्मीर तक जाएगा। ये सुरंग टनल बनी हुई है, वो देख सकते हो वहाँ पर टनल बन रही है और ये जब काम बन जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा लंबी यहाँ पर सुरंग बनेगी क्योंकि लगभग 100 किलोमीटर का यहाँ से सफ़र है। और 100 किलोमीटर में 99 किलोमीटर तक बता रहे हैं लोग कि 99 किलोमीटर तक इस पहाड़ के अंदर ही अंदर सुरंग के रूप में यहाँ पर ट्रैक बनाया जा रहा है। और जब वो बन जाएगा तब आप देखोगे किस तरीके से है। सामने देख सकते हो भाई, सामने का सीन देखो किस तरीके का सीन है। और नीचे खाई आपको दिखाते हैं कितने नीचे है, यहाँ से शायद कोई गिर जाए ना तो इसका हड्डी हड्डी सब टूट जाए भाई, इतना नीचे है। देख रहे हो कितने नीचे यहाँ पर खाई है। अगर यहाँ से कोई गलती से भी गिर जाए तो उसके हड्डी हड्डी तो छोड़ो सीधा मृत्यु हो जाए। और देखो कितनी यहाँ पर पहाड़ी वगैरह है, मतलब यहाँ देखो चारों तरफ यहाँ पर देखोगे ना तो केवल पेड़ पौधे पहाड़ इसी तरीके की चीज़ें, प्रकृति की सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। और आज शाम का समय है और शाम के समय हम एक मंदिर जा रहे हैं। यहाँ पास में ही एक मंदिर है कटरा से थोड़ी दूरी पर, और उस मंदिर की खास बात यह है कि वो जो श्रीधर पंडित थे जिनकी कहानियाँ हम सभी सुनते आ रहे हैं और उन्हीं को माता सपने में आई थी और साक्षात रूप में भी आई थी। और उन्होंने कहा था कि भंडारा करो, और जो श्रीधर थे वो बहुत ही गरीब थे और उनको बताया कि आप भंडारा करो, सारा कार्यक्रम करो तो हम आएंगे। और एक भैरवनाथ थे, उनको भी बुलाना इस भंडारे में। तो भैरवनाथ आए थे और भैरवनाथ आने के बाद क्या हुआ था कि वहाँ पर जगह कम पड़ गई थी और प्रसाद वगैरह काफ़ी ज़्यादा कम पड़ गया था। उसके बाद माता की ने कृपा की और बहुत सारा प्रसाद हो गया और उस भैरवनाथ ने कहा कि हमें मांस मदिरा चाहिए। तो माता ने कहा कि मांस मदिरा यहाँ पर नहीं मिलता है, तो उसने माता का हाथ पकड़ने की कोशिश की और वो पकड़ ना सका और माता अपने विशाल रूप में आ गई और वहाँ से अदृश्य हो गई। और आज जिन्हें वैष्णो माता के नाम से जानते हैं तो वो वही माता हैं जो श्रीधर पंडित के यहाँ आई थी और वहाँ पर भंडारा वगैरह करवाई थी। पंडित का घर यहीं पर है तो हम आपको श्रीधर पंडित का घर दिखाते हैं और वो घर आज मंदिर के रूप में हो गया है। और चलते हैं वहीं पर, आपको दिखाते हैं किस तरीके से मंदिर है। छोटे छोटे बच्चे हैं और ये यहाँ पर पानी भरने के लिए आए थे। कहाँ से पानी भर के लाए? पीछे क्या नाम है, नाम तो बताओ। गोविका मंदिर से पानी ये लोग भर के लाए, देख सकते हो ये पिपिया में लेके आए। तो चलते हैं भाई, तो यहाँ पर आपको हम पहाड़ का पानी दिखाते हैं, जो फ्रेश पहाड़ का पानी आता है, इतना पीने में इतना अच्छा पानी है उसका। और ये पहाड़ जो है ये देख सकते हो यहाँ पर पहाड़ वो ऊपर साइड में है और वहाँ से जल आता है। और आपको जल दिखाते हैं कितना साफ जल है, बहुत सारे लोग आसपास के एरिए के यहाँ से जल लेके जाते हैं पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं। यहीं देख सकते हो यहीं से जल वगैरह पहाड़ से आता है और बहुत सारे लोग यहाँ से जल लेके जाते हैं, पीने में काफ़ी अच्छा पानी है इसका, थोड़ा हम पीते हैं। ये देख सकते हो पानी पहाड़ का है, पीने में पानी अच्छा है, जैसे अपने यहाँ पानी है उसी तरीके का पानी है। चलते हैं और आपको श्रीधर पंडित का जो घर है वो दिखाते हैं। हमने देख सकते हो यहाँ पर पानी आ रहा है और ये सब पानी जो आता है ना ये पहाड़ से ही आता है पानी, वो वहाँ ऊपर से इतना
पानी आता है, नीचे तक पानी आता है और पीने में काफ़ी अच्छा पानी लगता है और इस तरीके से बना हुआ है। और यहाँ पर ये मंदिर वगैरह बना हुआ है और ये देखो बरगद का पेड़ है, ये यहाँ देख सकते हो मंदिर बना हुआ है। और आगे आपको मंदिर दिखाते हैं, ये काफ़ी पुराना और प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रसिद्ध भूमिका मंदिर महत्व कहानियाँ 900 वर्ष पहले की, तो ये सारी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। और यहाँ देख सकते हो महंत पुजारी जी हैं और यही पंडित जी हैं, इन्हीं के बारे में कहानी वगैरह है और माता को साक्षात रूप में इन्होंने देखा था। श्रीधर पंडित जी और सुलोचना माता जी हैं और ये यहाँ के पुजारी जी पंडित जी हैं। और चलते हैं आगे दिखाते हैं और ये देख सकते हो वही कन्याएं हैं, ये वही कन्याएं ना पंडित जी, ये वही माताएं जी, माता हैं, नौ माताएं हैं। और इस समय हम सीढ़ियों से चल रहे हैं और सीढ़ियों से चलते हुए गुफा में जय माता दी लिखा हुआ है यहाँ पर। और दिखाते हैं आपको श्रीधर पंडित जी का घर और यहाँ पर गुफा बनी हुई है और गुफा के अंदर माता दुर्गा और माता वैष्णो देवी, उन्हीं को कहा जाता है। उनका यहाँ पर देख सकते हो मूर्ति वगैरह माता जी की बनी हुई है और ये गुफा टाइप में बना हुआ है। तो ये वही जगह है जहाँ पर श्रीधर पंडित को साक्षात रूप में माता ने दर्शन दिया था और माता ने कहा था कि आप विशाल भंडारे का आयोजन कराइए और उस आयोजन में माता आएंगी और नौ कन्याओं को भी अपने साथ लेकर आई थी। और उन्होंने उस भंडारे में भोजन ग्रहण किया था और उन्होंने कहा था कि जो भैरवनाथ है उनको भी बुलाना उस भंडारे में। तो भैरवनाथ भी उस भंडारे में आए थे और उस भंडारे में भैरवनाथ ने बहुत सारे लोगों को लेके भी आए थे और उन्होंने कहा था कि मुझे मांस मदिरा खाना है। तो वो माता ने कहा था मांस मदिरा यहाँ पर नहीं मिलता है। और उन्होंने जब ये ऐसे शब्द बोले माता ने, तो भैरवनाथ ने माता का हाथ पकड़ना चाहा तो माता उनके हाथ में ना आकर माता ने विशाल रूप दिखाया उनको और पहाड़ों पर चली गई और जिन्हें आप माता वैष्णो के नाम से आप जानते हैं सभी लोग, उनके साथ माता काली थी और सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, सारी माताएं थी। और जो श्रीधर पंडित हैं उनकी जो पत्नी थी शकुंतला जी, इन्हें उनके नाम से जानते हैं ज़्यादा, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। अभी यहाँ के जो पुजारी थे उनके द्वारा हमें ये जानकारी मिली तो हम ये जानकारी आपको बता रहे हैं। तो यही यहाँ का व्यू था, देख सकते हो यहाँ पर शंकर भगवान की मूर्ति वगैरह बनाई गई है। तो चलते हैं अब रूम पे अपने, जहाँ पर हमारा कमरा है वहाँ पर चलते हैं। दर्शन वगैरह हमने कर लिया, इसके बारे में केवल हमने कहानियाँ सुनी थी और आज हमने देख लिया। तो भाई वीडियो यहाँ तक आए हो आप देखकर, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और इसी तरीके की और वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।